बाबा बैद्यनाथ मंदिर का रहस्य क्या है, आज इसके बारे में चर्चा करना है। झारखंड प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, जो देवघर जिला में अवस्थित है। इसकी स्थापना किस प्रकार हुई, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। कहा जाता है रावण पंडित था, शिव भक्त था, कुछ भी हो रावण के बारे में उसके पंडित्व पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जिसमें गुण होता है वहीं अवगुण भी पाया जाता है। जैसा कि कहा जाता है रावण कैलाश पति को प्रसन्न करने में लगा हुआ था। काफ़ी प्रयास करने के बावजूद कैलाश पति प्रभावित नहीं हुए। तब उन्होंने कुंड में कूदकर प्रार्थना की और तांडव करने लगा। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। तब रावण ने कहा, मैं आपको लंका ले जाने के लिए आया हूँ। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में इसे किसी भी स्थान पर रखोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस शर्त को मानते हुए रावण ने उन्हें लेकर चलने लगा। कुछ दूरी चलने के पश्चात उसे लघु शंका लगी। उसने एक ग्वाले को भगवान शिव की प्रतिमा को रखने के लिए दिया। भार इतना था कि वह ग्वाला सहन नहीं कर पाया और उसे धरती पर रख दिया। फिर जब रावण लौटकर आता है तो काफ़ी प्रयास के बावजूद भी वह प्रतिमा नहीं हिलता है और रावण उसे उठा नहीं पाता है। और जैसा कि कहा जाता है कि वही स्थान बाबा बैद्यनाथ के नाम से जाना गया। और देखा जाए तो देवघर में अवस्थित बाबा बैद्यनाथ का मंदिर झारखंड में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला बाबा बैद्यनाथ मंदिर को माना गया है, जिसकी लंबाई सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक 105 किलोमीटर की होती है। श्रद्धालु हर वर्ष देश और विदेश से लाखों की संख्या में पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इतिहास में पहली बार कोरोना काल में इस वर्ष मंदिर में जाने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है झारखंड सरकार इजाज़त नहीं दी है। इस तरह से देखा जाए तो बाबा बैद्यनाथ
का मंदिर वहीं स्थापित हुआ है जो देश का गौरव माना जाता है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे ये महत्वपूर्ण बातें विश्व में पहुँचे और लोग इसके बारे में जान सकें कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर की स्थापना किस प्रकार हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।